हेलो व्यूअर्स, बजाज एवेंजर 400 ये जो बाइक है, इस बाइक के बारे में बहुत दिनों से बहुत कुछ र्यूमर्स आ रहे थे, बहुत चर्चा हो रहा था। लेकिन ये बाइक कब लॉन्च होगा, इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, इसका लुक्स कैसा होगा, इसके बारे में कोई भी ऑफिशियली कोई न्यूज़ या फिर कोई डिटेल नहीं आ रहा था अभी तक। लेकिन अभी दो दिन पहले एक बहुत ही ट्रस्टेड, वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेड सोर्स से ये न्यूज़ आया है कि बजाज एवेंजर 400 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। लेकिन वो लॉन्च होने में थोड़ा सा टाइम है, लेकिन होने वाला है। और इसका लुक्स कैसा है और फीचर्स थोड़ा बहुत क्या होगा, ये सब ऑफिशियली आया है। और ये जो न्यूज़ है ये आ रहा है रासलेन के तरफ से। और जिन लोगों को लगता है कि ये वीडियो फेक है, उन लोगों के लिए वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत दिनों से ही इस बाइक के बारे में बहुत कुछ चर्चा हो रहा था कि इस बाइक में जो इंजन मिलेगा वो इंजन होगा डोमिनर 400 की तरफ से आने वाला, वही सेम इंजन जो एक 373 सीसी का इंजन है, और पावर फिगर भी लगभग सेम ही होगा। लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस हो गया है, और अभी बजाज वाले ये जो बाइक लाएंगे, यानी कि जो एवेंजर 400 बाइक जो होगा, ये बाइक थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आएगा और इसका प्राइस भी थोड़ा सा हायर हो सकता है। इसलिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और यही पुराना वाला डोमिनर का इंजन नहीं यूज करेंगे। और यहाँ पे जो इंजन यूज होगा वो होगा ट्रायंफ की तरफ से आने वाला एक इंजन। और अगर आप लोग बहुत दिनों से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को पता ही होगा कि बजाज और जो ट्रायंफ है, इन दोनों के बीच एक कोलैबोरेशन हुआ है। और इसी कोलैबोरेशन के चलते बहुत बाइक आएंगे इंडिया में, जो होंगे मेनली 400 सीसी से लेके 800 सीसी तक का बाइक। और इसमें से जो फर्स्ट बाइक आएगा वो होगा यही बजाज एवेंजर 400। अगर लुक के बारे में देखेंगे तो इस बाइक का जो लुक होने वाला है, ये सामने के तरफ से काफ़ी हद तक मिलता है जो ट्रायंफ की तरफ से आता है रॉकेट 3 बाइक, उस बाइक से मिलता है इसका लुक। मेनली जो हेडलाइट है वो पूरी तरीके से मिलता है उस बाइक से। और ये जो हेडलाइट होने वाला है, ये डुअल राउंड शेप्ड रेट्रो लुकिंग हेडलाइट होने वाला है। और यहाँ पे लग रहा है कि ये हेडलाइट होंगे हैलोजन हेडलाइट, लेकिन यहाँ पे जो बल्ब होंगे, यानी कि जो लाइट देने वाला जो लाइट होगा वो एलईडी ही होगा। और इसके जो बाहर का जो पोर्शन है वो क्रोम फिनिश इसमें दिया गया है। और जो इंडिकेटर्स मिलेंगे यहाँ पे, ये भी देखने में बहुत हद तक लगता है कि एवेंजर 220 जो बाइक अभी इंडिया में मौजूद है, सेम ही टाइप का इसका सेफ है, लेकिन ये थोड़ा सा शायद छोटा होगा। और यहाँ पे भी एलईडी लाइट ही मिलेंगे आप लोगों को। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा यहाँ पे, वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में उतना कुछ डिटेल तो नहीं आया है, लेकिन इस फोटो से जो लग रहा है, जो फोटोज निकल के आया है वहाँ से जो लग रहा है कि यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा ये डुअल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगा, यानी कि स्प्लिट होगा। इसका थोड़ा सा भाग होगा हैंडल बार के ऊपर और थोड़ा सा होगा इसका जो टैंक है टैंक के ऊपर, और ये शायद फुल डिजिटल कंसोल ही होने वाला है। और एवेंजर 400 का जो हैंडल बार होगा, ये भी एक सिंगल यूनिट हैंडल बार ही होने वाला है, जैसा मिलता है एवेंजर 220 क्रूज में, कुछ हद तक उस टाइप का ही है। लेकिन इसका जो पोजीशनिंग दिया गया है ये उतना ज़्यादा अपराइटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत कंफर्टेबली होने वाला है, ऐसा लग रहा है फोटोज से। एवेंजर 400 की जो टैंक है वो भी देखने में थोड़ा सा बिगर लग रहा है, अभी का जो टैंक मिलता है 220 में उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है इसका टैंक। और इसमें थोड़ा बहुत अलग टाइप का ये लोगो भी दिया गया है बजाज का, ये शायद हो या ना भी हो जो प्रोडक्शन मॉडल है उसमें। फ्रंट में जो सस्पेंशन आप लोगों को मिलेगा वो एक नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, क्योंकि ये एक क्लासिक बाइक है, यहाँ पे ज़्यादातर यही टेलीस्कोप सस्पेंशन ही मिलता है। कोई भी अगर आप प्रीमियम सेगमेंट की बाइक देखेंगे तो वहाँ पे भी लगभग सारे बाइक में यही सस्पेंशन मिलता है। और जो सीट है वो सीट लगता है एकदम सेम ही है जो मिलता है अभी एवेंजर 220 में। और जो पीछे का जो बैक रेस्ट है वो भी सेम ही है। और जो पीछे की तरफ अगर देखेंगे तो जो टेल लैम्प है, तो टेल लैम्प भी शायद एक एलईडी यूनिट हो सकता है। और ये जो टेल लैम्प है ये एक स्क्वायर शेप्ड टेल लैम्प है। एग्जॉस्ट जो दिया गया है यहाँ पे, ये एक सिंगल एग्जॉस्ट ही है, लेकिन यहाँ पे डुअल एग्जॉस्ट अगर होता तो और भी अच्छा होता, क्योंकि ये बाइक में जो इंजन होगा ये एक डुअल सिलेंडर इंजन होगा। फिर भी ये देखने में थोड़ा बहुत नॉर्मल ही लग रहा है, उतना ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, फिर भी ठीक ही है।
और पीछे की तरफ जो सस्पेंशन मिलेगा वो एक डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलेगा, यहाँ पे मोनो शॉक नहीं दिया गया है। और अगर टायर की बात करें तो सामने और पीछे दोनों ही तरफ आप लोगों को वाइडर टायर मिलेंगे, लेकिन इस टायर का साइज क्या होने वाला है ये अभी तक नहीं निकल के आया है। और जो व्हील मिलेंगे ये भी अलॉय व्हील ही मिलेंगे, और शायद ये 17 इंच व्हील बेस के साथ आएगा। और दोनों ही साइड अगर ब्रेकिंग की बात करें तो दोनों ही साइड में आप लोगों को डिस्क ब्रेक मिलेगा, यानी कि सामने और पीछे दोनों ही साइड डिस्क ब्रेक होगा। जो अभी 220 क्रूज या फिर स्ट्रीट में नहीं है पीछे की तरफ कोई भी डिस्क ब्रेक, लेकिन इस बाइक में मिलेगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे डुअल चैनल ABS भी मिलेगा। अब आते हैं इसके इंजन की तरफ, और ये जो इंजन है ये एक पैरेलल ट्विन इंजन है, और शायद ये बजाज की तरफ से आने वाली पहली बाइक होगी जहाँ पे पैरेलल ट्विन इंजन दिया जाएगा, यानी कि डुअल सिलेंडर इंजन दिया जाएगा। और ये जो इंजन है ये आएगा ट्रायंफ की तरफ से। और इस इंजन में कूलिंग सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ पे लिक्विड कूलिंग दिया गया है, और 6-speed गियर ट्रांसमिशन मिलेगा यहाँ पे, लेकिन पावर फिगर एग्जैक्ट क्या होगा इसके बारे में अभी तक कोई भी डिटेल नहीं आया है। तो ये जो बाइक है, इस बाइक के बारे में अभी तो सिर्फ इतना ही इन्फॉर्मेशन आया है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल अभी आपने देखा स्क्रीन पे, ये मॉडल एक मतलब प्रोटोटाइप मॉडल है और एक कॉन्सेप्ट मॉडल है, लेकिन ये ऑफिशियली बजाज की तरफ से आता है ये फोटो। लेकिन ये बाइक अभी लॉन्च होने में 2-3 साल बाकी है, यानी कि अभी बहुत टाइम है, तो इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। और आप जानते हैं जो कॉन्सेप्ट बाइक होता है उससे जो नॉर्मल बाइक मतलब जो प्रोडक्शन मॉडल आता है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, जैसे कि डोमिनर में भी हुआ था और बाकी सारे बाइक में भी होता है, लेकिन ये चेंजेस उतना ज्यादा भी नहीं होगा, लगभग सेम टू सेम ही होगा। एवेंजर 400 बाइक का जो लुक्स वाला जो भी है वो लगभग 90% सेम ही रहने वाला है, और जो पावर फिगर है उसमें बहुत कुछ हो सकता है, ज़्यादा पावर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि ये एक स्क्रूज बाइक है। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट कीजिए ये बाइक आप लोगों को कैसा लगा। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल में जो होंगे, RS 400 जो भी शायद 1-2 साल में ही आने वाला है वो बाइक भी, उसके बारे में भी एक वीडियो होगा। और भी बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे इस चैनल में, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।